गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स विद केपी। तो आप सब कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हम लोग जो अभी बज रहा है सुबह का 10:15 बज रहा है, तो आज का ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट करती हूँ। तो आप सबको मेरे और मेरे पूरे फैमिली की तरफ से मेरी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम लोग जो है, हम लोग भिलाई से वापस आ गए घर। घर आने के बाद मैं ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई थी, काम भी बहुत सारा था। और उसके बाद आज जाके मैं फ्री हुई हूँ थोड़ा सा, 2-3 दिन से। तो आज से मैं फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप सबको और मेरे पूरे परिवार की तरफ से मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। आप लोग बहुत अच्छे से इसको एंजॉय कीजिए। आज जो है, मैं सुबह आज 7 बजे जगी थी। यहाँ पे यूपी में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है इन दिनों, तो सुबह मैं पहले 5 बजे जगती थी, लेकिन अभी इन दिनों नहीं उठ पा रही हूँ सुबह। तो 7 बजे जगी थी। 7 बजे जगने के बाद पूरा मेरा काम धाम, नहाना धोना, पूजा पाठ, सब कुछ हो गया है। 10 बज रहा है अभी, 10:15। और अभी जो है, अभी मैं नाश्ता बनाने जाऊँगी। नाश्ते में आज बनेगा पराठा बनेगा, और सब्जी मैंने कल बनाई थी गोभी आलू की सब्जी वो है, और गाजर का हलवा बनाया था। तो आज नाश्ते में पराठा, सब्जी और गाजर का हलवा होगा। और अभी जो है, अभी मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। उसके बाद फिर आज बच्चे भी पढ़ने आए, ट्यूशन पढ़ने आए, बाहर पढ़ रहे हैं बैठ के। तो फिर नाश्ता बना के जब मैं उनके पास जाऊँगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि ये बच्चे सब ट्यूशन पढ़ रहे हैं। जयेश उधर कॉर्नर पे, अनंत है, हनी, ये जय है, ये सब बाहर धूप में बैठ के ट्यूशन पढ़ रहे हैं। गार्डन का भी मजा ले रहे हैं। एडेप्टेशन ये देखिए मेरे गार्डन का फ्लावर्स, देखिए कितना आया, इधर देख कितना बचा, काउंट कर, काउंट कर कितना बचा, काउंट कर करो कितना बचा, जो काटने के बाद कितना बचा काउंट करो, कुछ छोड़ना पड़ेगा, काउंट कर उंगली से। और इधर देखिए सारा कुछ, सब्जी कितने बड़े बड़े हो गए, पूरा ग्रीन ग्रीन। मिट्टी नहीं दिखा दे रहा, एकदम पूरा ग्रीन ग्रीन। उधर मैंने बैंगन लगाया है, और उधर थोड़ी सी अदरक और बाकला। इस पे तो पता है आप लोगों को, इसमें पालक है। ये देखिए सरसों में फूल भी आ गया है। लहसुन है, इसका गुड़ाई करना है। अभी करेंगे नाश्ता करने के बाद, फिर इसका गुड़ाई करेंगे। उधर आलू है, आलू भी हो गया है, अब बस निकालना बाकी है। जनवरी, मिड ऑफ जनवरी में निकालेंगे आलू को। पपीता देखिए कितने बड़े बड़े पपीता हुआ है। उधर देखिए कितने छोटे से पेड़ में कितने बड़े बड़े पपीता लगे हैं। साल में हुआ था ये ये पार्टीशन ऑफ देखिए बंगाल, एकदम छोटा सा पेड़ है। लिखो वहां पे, लिखो पार्टीशन ऑफ और इस पे देखिए, इसमें मेथी लगाया है, कितना सारा मेथी हुआ है, कितना बड़ा बड़ा हो गया है। एक दिन छोड़ के एक दिन खाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं खत्म कर पा रहे। इस पे देखिए धनिया हुआ है, कितने सारे धनिया पत्ती है। इधर देखिए मूली, बहुत खा लिए अभी भी ये, फिर जो लगाए थे बाद में वो हुआ है ये। इधर किनारे किनारे पूरा ये सब मूली है, ये कितने मोटे मोटे हुई है। उस पे भी लहसुन है, इसका भी गुड़ाई करेंगे। इसमें मटर है, मटर में फूल आ गया है। सब मेर मेर पे मैंने मूली लगाया है, पूरे मेर पे सब मूली है। और इसमें पालक है, उधर साइड जो है जो देखा था वो देसी पालक, और ये हाइब्रिड वाला पालक, गोल पत्ती जिसकी होती है। बथुआ तो इतना हुआ है, अपने से पढ़ के जमा है पूरा। और इस वाले क्यारी में मैंने बोया था गाजर, लेकिन लास्ट ईयर इसमें मैंने सरसों बोया था,
तो वही सरसों गिर के इतना हुआ है कि गाजर दिखाई नहीं दे रहा है, अपने से गिरा है, अपने से ही हुआ है सरसों। इसमें मैंने टमाटर लगाया है। अब ये जो टमाटर है इसकी थोड़ी सी गोड़ाई करेंगे, मिट्टी चढ़ाएंगे और उसके बाद फिर इसको सपोर्ट देके बांध देंगे। और उधर उस पे उधर जो है फूलगोभी है वो, और ये पत्ता गोभी है, बंदा गोभी है ये। ये देखिए ये जो है ये बाकला का पेड़ है, जैसा मटर होता है वैसे ही होता है इसका भी फल। ये पिछले साल का बीज गिरा था उसी से हुआ है। ये देखिए ये जो है ये बैंगन है, उधर साइड मिर्ची लगाया है। अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। नाश्ता बनाने के बाद फिर जब मैं बाहर जाऊंगी वहां पे बैठ के बाहर बैठ के नाश्ता करेंगे, तो उस टाइम आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है? अभी नाश्ता बना लेते हैं क्योंकि 10:30 बज गया है, लेट हो गया है। तो ओके बाय। नाश्ता मैंने बाहर दे दिया है, अभी जो है अभी चाय बन रही है। बच्चे लोगों को मैंने करा दिया है नाश्ता, अभी हम लोग करेंगे। जो बच्चे ट्यूशन आए थे उसको भी नाश्ता करा दिए, अभी बस चाय बन रही है। चलिए बाहर चलते हैं। तुम बताओ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये देखिए नाश्ता, पराठा, सब्जी। सर 2 × 12 प्लस बी अदर फिनिश करो मम्मा। तो नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है, अभी जो है अभी मैं खेत में जा रही हूँ। थोड़ा सा जो है मैंने हल्दी लगाया था, आप लोगों को दिखाया था पहले, तो वही हल्दी जा रही हूँ निकालने के लिए। अब चलिए देखते हैं कि कुछ है कि नहीं, कुछ हुआ है कि नहीं उसके अंदर। तो अभी मैं फ़िलहाल गोड़ाई करती हूँ। जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, इसी के अंदर हल्दी लगाया था, तो हल्दी तो पूरा पेड़ सूख गया। अब जो है अब देखते खोद के कि हल्दी है कि नहीं, पहले खोद लेते फिर आप लोगों को दिखाते। ये देखिए मैंने यहाँ का जो हल्दी था उसको निकाल लिया है, इतना निकला है। ये देखिए देखिए इतना बड़ा बड़ा गड्ढा पड़ा है सब। इसको अब मैं धुलूँगी, धुल के छोटा छोटा पीस काट के और फिर सुखा के उसका पाउडर बनाऊँगी। गाइस गुड इवनिंग। और जो है सुबह के बाद फिर मैं आप लोगों से नहीं मिल पाई थी क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए थे घर में, तो इसलिए मैं नहीं मिल पाई थी आप लोगों से। तो अभी जो है अभी शाम हो गया है और आज जो है आज डांस क्लास भी था, तो क्लास करके आ गई हूँ मैं घर पे। और इधर देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। क्या बना रहे बाबू, क्या है ये? मैगी है। है मैगी है तो बना लेते हो। देखिए कितने अच्छे से बैठा हुआ है ऊपर अपना जगह बना के, वहीं पे बैठा रहता है, बैठ बैठ के मैगी ऑमलेट सब बनाता है। तो ये केक खा रहे हैं, जयेश के पापा भी लाए हैं क्रिसमस के लिए। क्रिसमस में यही वाला केक अच्छा लगता है क्योंकि वो क्रीम वाला उतना नहीं अच्छा लगता है। तो हम लोग अभी इसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे, आप लोग भी कीजिए। गाइस गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कल का वीडियो आज तक कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा मेरा काम भी हो गया था और मैं थक भी गई थी, तो इसलिए मैं जो है कल का वीडियो एंड नहीं कर पाई थी।
तो इसलिए तो कल का वीडियो मैं एंड नहीं कर पाई थी, इसलिए वो वीडियो आज तक कंटिन्यू हो रहा है। आप सब ने आई हो बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा क्रिसमस को। हमने भी किया था, बहुत कुछ नहीं किया था, हल्का फुल्का सेलिब्रेट किया था। और जो मैंने हल्दी दिखाया था आपको, हल्दी मैंने निकाला था गार्डन में से, उसको मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने में उसको कम से कम 1.5 घंटा लगा मुझे उसका मिट्टी साफ़ करने में, और फिर धो के मैंने उसको अच्छे से सुखा लिया है धूप में, और अब मतलब पानी उसका सुखा लिया है। अब उसका जो है छोटा छोटा पीस करेंगे, पीस करके फिर मैं उसको धूप में डालूंगी। जब वो पूरा सूख जाएगा उसके बाद फिर मैं उसका मिक्सी में ही उसको ग्राइंड करके उसका हल्दी पाउडर बना लूँगी घर में ही। आप चाहे तो मार्केट से भी बना के ला सकते हैं अगर क्वांटिटी अच्छी हो तो। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना निकला है मेरा हल्दी। ये जो है आप लोगों को शायद पता नहीं चल रहा होगा, ये बड़ा टोकरी है, ये टोकरी बहुत बड़ी साइज़ की टोकरी है। तो इस टोकरी का एक टोकरी निकला है लगभग लगभग, हमें लगता है कि इसमें 2 किलो, 2 किलो या 2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इतना हल्दी मैंने निकाला है, हल्दी काफ़ी अच्छी हुई है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी, देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी मोटी मोटी साइज़ की हल्दी निकली है। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम लगाया है हल्दी को, कभी नहीं लगाया था। अब इसका पाउडर बनाने पे पता चलेगा कि कितना निकलता है, लगता है अच्छा खासा निकल जाएगा। अब इसका जो है छिलका छिलका हल्का हल्का छिलका निकालेंगे चाकू से। फिर इसको मेरे पास वो चिप्स बनाने वाली मशीन है, उसमें इसका पतला पतला स्लाइस काट के इसको फिर धूप में डालेंगे। अभी तो है, अभी तो पूरा एकदम बादल हो गया है, बारिश हो रही है बाहर, हल्का फुल्का बारिश हो रही है, तो इसीलिए आज नहीं डालेंगे हम। आज का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाहर बारिश हो रही है, हल्का हल्का बूंदे गिर रही है, और फिर जो है एकदम पूरा अंधेरा हो गया है, बादल हो गया है। तो अभी तो हल्दी का कुछ नहीं हो सकता है, जिस दिन धूप निकलेगा उस दिन थोड़ा सा उसको स्लाइस करके फिर डालेंगे। तो ठीक है, कल का वीडियो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो पे। और टिल देन टाटा बाय बाय। आप सबको एक बार फिर से मैरी क्रिसमस, बिलेटेड मैरी क्रिसमस। और आप सब ऐसे ही देखिए, देखते देखते मेरा 193 सब्सक्राइबर्स भी हो गए। अगर एक भी सब्सक्राइबर आपका बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है, आपका वीडियो लोग देख रहे हैं, पसंद हो रहा है। तो इसको मैं पॉजिटिव वे पे लूँगी, और आई होप मतलब मेरा बहुत जल्द मेरा 1K भी हो जाएगा अगर आप लोगों का साथ रहा तो। ये देखिए जयेश, इसको मैंने नहला दिया है, नाश्ता वास्ता करा दिया है, और फिर अभी बादल, यहाँ का मौसम बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसीलिए पूरा पैक करके रखी हूँ उसको। 1K भी हो जाएगा और वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा अगर आप लोगों का ऐसे ही साथ रहा तो। भले ही धीरे हो रही है बाकियों के हिसाब से, लेकिन हो तो रहा है ना। तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए, और भी ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और मैं क्या बोलूँ, बस आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो पे, बाय।